देखिए आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है, कोई इसको काट नहीं सकता कि वहां पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र संस्कृत धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहां होता था, और उस जगह पर केवल हिंदू और हिंदू पूजा ही हो सकती है। 7/4/2003 को जो एसआई ने ऑर्डर किया था नमाज पढ़ने का, उनका आदेश दिया था यानी उनको परमिट किया था, वो आदेश बिल्कुल गैर वाजिब है, इलीगल है और असंवैधानिक है। दूसरी बात आपको बता दूं, 94 से ज्यादा टूटी टूटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वहां सारे खंभों पर वेद और शास्त्रों की ऋचाएं मिली हैं, संस्कृत श्लोक मिले हैं, पुरानी कलाकृतियां मिली हैं, और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देख के कह देगा कि भव्य पाठशाला और मंदिर था और केवल हिंदू का था, हिंदू वेद शास्त्र की पढ़ाई के लिए था। और इसलिए यही नहीं, इस रिपोर्ट ने आग खोल दिया है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जितनी विवस्था जो जितना कुछ किया था, उन सब का पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। ज्ञानवापी में हुआ, यहां हुआ, और मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरी पूरी लीगल टीम इस सारे उन जगहों को जहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको पुनः वापस लेने में सक्षम होंगे। और मुझे खुशी है कि मैंने पेटिशन में जो कुछ लिखा था, काफी शोध के बाद लिखा था, 32 फोटो लगाई हैं, सारी बातें सत्य साबित हो गई और एक एक फोटोग्राफ वेरीफाई हो गई, और इस बात के पक्के सबूत हैं कि वह केवल मंदिर था, मंदिर रह सकता, और मंदिर के अलावा वहां कोई पूजा पाठ के अलावा कोई नमाज या मुस्लिम धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता है। यानी जो एक्ट की धारा 16 में जो प्राविधान है कि धार्मिक स्वरूप तय हो, तो धार्मिक स्वरूप तय करने में सहायता मिलेगी, और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश होना चाहिए कि अब हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार मिले और नमाज पढ़े।